बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो पिज़्ज़ा रोल की है, तो बहुत अच्छी रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चले आइए, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। व्यूवर्स, ये डो है वो मैंने बनाई थी, पहले बना के रखी हुई है। इसकी जो रेसिपी है मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ, आप उसको देख के बना सकते हैं। तो बाकी जो इसकी जो फिलिंग होगी तो उसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें जाएंगी। हाँ जी, सबसे पहले चिकन है, ये 300 ग्राम चिकन लिया था मैंने, इसको बॉईल कर लिया, बोनलेस था। और इसके अलावा सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, बारीक कटी हुई हैं। एक गाजर है, ये छोटी छोटी काटी हुई है। एक कप बंद गोभी का है, वो कटा हुआ है। 2 दरमियाने प्याज हैं, वो बारीक कटे हुए हैं। इसके अलावा स्पाइसीज में जो चीज़ें हैं वो चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून है, काली मिर्च जो है ब्लैक पेपर 1 टीस्पून ये है, सॉल्ट भी 1 टीस्पून जाएगा। और इसके अलावा इसमें ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये जाएंगे। और चेडर चीज़ और मज़रेला चीज़, ये दोनों मैंने मिक्स करके रखी हुई हैं, ये शामिल होंगी। और गार्निश में एक अंडे की जर्दी है, उसको फेंटा हुआ है, साथ में सफ़ेद तिल है और ज़ीरा है थोड़ा सा। और इस बैटर को हम बटर में बनाएंगे, 2 टेबल स्पून जो है वो बटर का यानी कि मक्खन का जाएगा। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, सबसे पहले एक पैन लेते हैं, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो बटर डाल दिया, इसको मेल्ट कर लेते हैं। अच्छा व्यूवर्स, मक्खन की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बटर जो है वो गर्म हो गया, इसमें अब मैं लहसुन अदरक की पेस्ट है वो 1 टीस्पून डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें। हाँ जी, लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुका है, अब इसमें ये जो सब्ज मिर्ची है ये डाल दूंगी, इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, हल्का से इसमें पानी का छींटा लगाते हैं, फिर इसमें स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले नमक का है वो चला जाएगा, फिर इसमें जाएगी काली मिर्च और ये क्रश चिली, कुटी हुई लाल मिर्च। मसाले जो हैं वो इसके बिल्कुल सिंपल से और आसान हैं, कोई तो है नहीं मुश्किल, और घर में मौजूद होते हैं। इसको थोड़ी देर भूनेंगे, इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। चलिए व्यूवर्स, मसाले में अब सब्जियां डालते हैं, ये गाजर कटी हुई थी वो डाल देते हैं, साथ में ये प्याज है ये डाल देंगे, और बंद गोभी ये भी डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हाँ जी, मसाले जो है सब्जियां हैं जो थोड़ी सी भुन गई है, तो अब इसमें मैं चिकन डाल देती हूँ। चिकन डाल के तो आप इसका नमक भी चेक कर लें, स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। व्यूवर्स, नमक मिर्च इसका बिल्कुल ठीक है, अभी तकरीबन भुन भी गया मसाला, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं सोया सॉस डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिलिंग जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसमें ये ब्लैक ऑलिव्स और जो चेडर चीज़ और मज़रेला चीज़ है वो मैं डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं, अब ये जो फिलिंग है वो हमारी रेडी है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और मटेरियल को हम ठंडा कर लेते हैं। पिज़्ज़ा रोल के लिए जो फिलिंग हमने तैयार की वो ठंडी हो चुकी है, अब हम रोल रेडी करते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, चले आइए पिज़्ज़ा रोल जो है वो रेडी करते हैं। जी व्यूवर्स, पिज़्ज़ा रोल जो है वो रेडी करते हैं। डो ले लिया मैंने। हाँ जी व्यूवर्स, पिज़्ज़ा रोल जो है वो रेडी करते हैं। डो को ले लेते हैं और इसको हम बेलते हैं। व्यूवर्स, डो को मैंने बेल लिया है, आपने इसको ऐसे लंबाई की शेप में बेलना है, तो तकरीबन इतनी चौड़ी आपकी ये जो डो है होनी चाहिए। ये जो रैपर मैंने नीचे बिछाया है ये इसलिए बिछाया था कि इस हिसाब से हमारी जो चौड़ाई और लंबाई है वो अच्छी आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला किनारा है इसकी हमने कटिंग करनी है और इस साइड पे हमने जो अपनी फिलिंग है वो डालनी है। अच्छा जी, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी हम कटिंग कर देंगे एक नाइफ की मदद से, तकरीबन 1 फिंगर जितनी जो लंबाई है उतना इसका कट्स है वो होना चाहिए। ये देखें, हाँ जी कट्स जो है वो मैंने लगा दिए हैं। पिज्जा सॉस लेंगे, इसको हम
इस वाले हिस्से पे अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह से। हाँ जी, पिज्जा सॉस लगा के तो अब ये जो हमारा बैटर है जो हमने रेडी किया हुआ है चिकन और सब्जियों का, साथ में इसमें मैंने चेडर और मज़रेला चीज़ डाली हुई है, इसको यहाँ हम सेट कर देंगे। अब ये ओरिगानो लीव्स हैं, ये मैं डाल दूंगी इसके ऊपर थोड़े से, इससे ये है कि इसकी खुशबू अच्छी आएगी। अब ये जो डो है इसको मैं रोल की शक्ल दूंगी, इसको ऐसे करके तो रोल करते हैं जाएंगे। बैटर जो है उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर करेंगे हम। ये देखिए, इसको अब आहिस्ता आहिस्ता मैं रोल करती जाऊंगी। ये जो हमने पट्टियां काटी हैं ये इसके ऊपर ऐसे डिजाइनिंग के तौर पे, ठीक हो गया। हाँ जी, ये मैंने एक टिन लिया है, इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। इस मटेरियल को मैं उठा के इसमें जैसे वो रोल वाला पराठा बनाते हैं ना, इस तरह इसको मैं रख के सेट कर दूंगी। इसको एहतियात से उठाएंगे। हाँ जी, बस अंडे की जल्दी है, इसके ऊपर हम लगा देंगे। हाँ जी, जल्दी अंडे की मैंने लगा दी है ब्रश की मदद से। अब ये ओरिगानो लीव्स हैं, थोड़े से ये स्प्रिंकल कर दूंगी इसके ऊपर मैं। इसके अलावा जजीरा है थोड़ा सा, ये डाल दूंगी। थोड़े से सफेद तिल है वो डाल देंगे। व्यूवर्स, अब ये चेडर चीज है, इसके मैंने ये देखिए स्लाइस काटे हुए हैं, ये मैं रख दूंगी इसके ऊपर। ब्लैक ऑलिव्स हैं, ये इस पे स्प्रिंकल कर दूंगी मैं थोड़े थोड़े फासले पे एज ए डेकोरेशन। हाँ जी, ये देखें पिज़्ज़ा रोल हमारे रेडी हैं। अब इसको आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको पतीले में बेक करूंगी इसलिए ताकि जिन व्यूवर्स के पास ओवन मौजूद नहीं है वो पतीले में भी अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। तो चले आइए पतीले में इसको रखते हैं, जो मैंने प्री हीट होने के लिए 15 मिनट पहले रख दिया था। व्यूवर्स, पतीला जो है वो मैंने प्री हीट कर लिया है। अब ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। हाँ जी व्यूवर्स, ये देखें पिज़्ज़ा रोल जो है रेडी हो चुके हैं, इसको तकरीबन 35 मिनट लग गए हैं बेक होने में। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। पतीले में मैं इसलिए बेक करती हूँ ताकि जिन व्यूवर्स के पास ओवन नहीं है तो वो पतीले में बआसानी बेक कर सके। तो इसका जो टेस्ट वगैरह वैसा ही होता है, लुक भी देखें तकरीबन वैसी ही है, ऐसा लग रहा है जैसे ओवन में बेक किया है। अच्छा, मैं अब इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा फ्लफी और सॉफ्ट हमारी जो है वो डो तैयार हुई है। हाँ जी व्यूवर्स, इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे जो पिज़्ज़ा रोल हैं वो कितने अच्छे बेक होके रेडी हो गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें दोनों साइडों से देखें, बहुत मज़े के ये बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपनी ख़ास दुआ में याद रखें, रमज़ान शरीफ आ रहा है, उस हवाले से दुआ में लाजमी याद रखिएगा।
मिलते हैं अब अपनी एक और नई अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।